इस वक्त हम लवात से पतलियां लेक के करीब हैं। रात 1 बजे से लेकर अभी तक मुसलसल बारिश हो रही है, या बारिश का मौसम। हम बारिश रुकने के इंतज़ार में हैं ताकि पतलियां झील की तरफ बढ़ सकें, लेकिन लगता है कि हमें ऐसा ही अपना प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा और किसी नए प्लान पे काम करना पड़ेगा। ऊपर पीक्स पे बारिश के साथ साथ मेरे ख्याल में स्नोफॉल भी हो रही है, जिसकी वजह से स्नो में इजाफा हो रहा है। हाय मेरी दुल्हन, कीचड़ भी बन रहा है। खैर है, क्या कीचड़। तो यहाँ हम अपने शौक से आए हैं ना इस कीचड़ में। आखिरकार कई घंटे इंतज़ार करने के बाद हमने बारिश में ही आगे निकलने का तय किया। रेन प्रूफ ड्रेसेस ना होने की वजह से फाइनली हमने रेन कवर्स को ही यूज़ कर लिया, और इस तरह हम किसी हद तक अपने आप को कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है हमारा ये सफ़र बहुत ही हसीन रहेगा, और वक्तन फक्तन यहाँ ज़रूरत पड़ी हम इसे कैमरे की आंख से महफूज करते रहेंगे। ये आगे हमारी मुर्शिद और लीडर असद अब्बास साहब हैं, लेकिन इस वक्त ये दुल्हन के रूप में है, जिस सज के और धन के साथ ये जा रहे हैं। ये यकीनन बहुत ही खूबसूरत मंजर। और इससे पीछे कुमैल भाई, इनका ये इस तरह तर्ज का पहला टूर है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरती से हिम्मत करते हुए, और ख़ास तौर पे इनके साथ का जोश और जज्बा है वो यकीनन खराज तहसीन है। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ते हुए, मुझे लगता है मुझे इनके थोड़ा सा बैग कवर को फिर नहीं, खैर है इतना तो गीला हो जाए तो कोई मसला नहीं। ओके, बारिश के मौसम में हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती। ऐसा ही कुछ इस खूबसूरत वादी के साथ हुआ है। ये वादी इस मौसम में भी फिर दोबारा से सरसब्ज व शादाब हो गई है। अगरचे ये खजान का मौसम है और सर्दियों का आगाज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त हर चीज़ निखरी निखरी सी महसूस हो रही है। खूबसूरत चोटियाँ एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रही हैं। तो जी, ये वादी लवात का एक खूबसूरत इलाका पतलियां है। यहीं से कुछ दूर पतलियां लेक है, जो कि जिसके पहाड़ के दूसरी तरफ वहां से रती गली है, और यही पतलियां आगे वादी कगान से बुरावाई के इलाके से कनेक्टेड है। हमने तय तो ये किया था कि हम लोअर लवात से बुरावाई यानी कि कगान तक पैदल जाएंगे, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि हम क्या करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, जो कि अगर मौसम ख़राब हुआ तो यहीं से हम पतलियां से रत्ती गली बेस कैंप पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ किचन और इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वो हमारे लिए कदरे बेहतर होगा, और वहीं से हमें जीप भी मिल जाएगी, और इस तरह हम दोबारा द्वारियां के मकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा पहला हदफ यहाँ से वादी कगान यानी बुरावाई पहुंचना है पैदल। उसके लिए भी हमें 4000 मीटर प्लस पास करना होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कुदरत के सामने यकीनन हमने सर तस्लीम करना है। अगर कुदरत ने हमें विंडो प्रोवाइड की तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम रती गले से दीवारियां की तरफ पलटेंगे। ये घर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम के ऊपर मौजूद है, यहाँ से नाला बह रहा है। इस वक्त इन घरों में मौजूद लोग दोबारा अपने असली घरों की तरफ चले गए, क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों में लोग आते हैं, जानवर लेकर लकड़ियां जमा करते हैं, फसलें उगाते हैं,
और ख़ास तौर पे पतनिया लेक की वजह से ये एक अहम तरीन टूरिज़म स्पॉट है। तो इस तरह इस टूरिज़म से भी इनका शायद माशी सर्कल चलता है, लेकिन इस सर्दियों के मौसम में यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो वापस अपने अपने इलाके की तरफ चले जाएं। पिछले वीक अच्छी खासी स्नोफॉल हो चुकी है, दरमियान में मौसम क्लियर होने की बदौलत लोग दोबारा ये जो पुरानी पड़ी हुई बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन रात मुसलसल बारिश होने की बदौलत दोबारा चोटियों पर बर्फ देखने में, ये ताज़ा बर्फ़ है जो रात पड़ी है, मतलब अनकरीब यहाँ ये इलाका बर्फ से ढक जाएगा और हर ये वादियाँ सफ़ेद लिबास ओढ़ लेंगी। यकीनन वो भी मंज़र बहुत हसीन होगा, क्योंकि यहाँ रोड और इस तरह का रास्ता मौजूद है, तो मेरे नज़दीक ये सर्दियों में भी एक बेहतरीन टूरिज़म स्पॉट हो सकता है। मैं अपने टूरिस्ट कम्युनिटी को इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि ये वादी नीलम का सारा साल खुला रहने वाला एक बेहतरीन स्पॉट है, जहाँ हर मौसम के अपने ही रंग हैं, हर मौसम बहुत ही हसीन है। इस वक्त बारिश फिर से तेज़ हो गई है, इस बारिश का हम सामना कल रात से कर रहे हैं। काफ़ी देर तक हमने रुकने का इंतज़ार भी किया था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही। लिसन द साउंड ऑफ नेचर, ये एक बहुत ही खूबसूरत सेटलमेंट एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम के ऊपर। ये वो सेटलमेंट है जो गर्मियों में इस्तेमाल होती है। द वे टू पतलिया लेक, चार्जिंग भी कम है लेकिन आगे तो हम कर लेंगे जिस जगह पर रुकेंगे। अलबत्ता इस वक्त मुझे मोबाइल की बैटरी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, बारिश में भी मोबाइल भीग रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे स्टॉप कर लेना चाहिए। असद भाई और कुमरान भाई के साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत तरीके से तय हो रहा है, तीनों हम एक दूसरे का ख्याल करते हुए और कुदरत के हसीन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो ये है हम तीनों के अंदर मुश्तरक है, वो ये है कि हम घबरा नहीं रहे और इमरान ख़ान की इस कॉल के ऊपर सख्ती से अमल कर रहे हैं कि घबराना नहीं है मेरे भाइयों। साफ ज़ाहिर है इस कौम के ऊपर जब महंगाई जैसे और इस तरह के बुरान होंगे तो इसमें हम इन बारिशों से या मौसमों से इतना ज़्यादा तो नहीं घबराएंगे, लेकिन फिर भी हम कुदरत के साथ मुकाबला करने की सकत नहीं करते और ना ही किसी को ऐसी मजाल और हिम्मत करनी चाहिए। आप सियासतदानों के सामने तलूतों के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। जब कुदरत चाहती है तो आपके पास एक लम्हा भी नहीं होता, एक लम्हा भी मैसर नहीं होता। तो कुदरत को यकीनन तस्लीम करते हुए, कुदरत का एहतराम करते हुए, खुदा से मदद मांगते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लेशियर है जो कि इस समर में नहीं पिघला और ये अभी तक मौजूद है, क्योंकि अब मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है तो ये ग्लेशियर
अपनी सालत में मौजूद रहेगा और इसके ऊपर मज़ीद ताज़ा स्नो पड़ेगी। इससे दूर अगर एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि कैफ़े है जो मौसम समर में ओपन होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आज हमें सुबह यहाँ से नाश्ता मिलेगा, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से अब ऐसी हमें कोई उम्मीद नहीं है। और वो शख्स जिसने हमसे ये कहा था कि वो यहाँ पहुँचेगा और हमें नाश्ता देगा, वो अभी तक नहीं पहुँचा और मज़ीद भी वो अभी हमें उसका इंतज़ार नहीं है। असल खूबसूरत इलाका इस तरफ है, ठीक है, यहाँ से वैली क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत ही खूबसूरत, यहीं से यही रास्ता है बॉस। ये ब्रिज है जो कि नाले को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है और ये जीप ट्रैक है। एक्चुअल में पतनिया लेक तक जीप आ सकती है और यहाँ काफ़ी रश रहता है गर्मियों में। अभी यकीनन हम अकेले होंगे इस मौसम में। वो पीछे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं आगे की जानिब। गुड गुड, आगे थोड़ा रास्ता खतरनाक है, ख्याल करना। का थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा है जो कि जहाँ पर पैदल चलना ख़ास तौर पर इस मौसम में आसान नहीं है। मुर्शिद, इस जगह का ख्याल करना। ओह, आई थिंक मुझे आगे अपने दोस्तों की मदद के लिए पहुंचना होगा। यहाँ इन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ख़ास तौर पर कुमेल भाई को। दिस वन इज अ टफ पार्ट। फाइनली वी हैव क्रॉस्ड द टफ पार्ट ऑफ दिस ट्रैक। असद भाई इज सो मच एक्सपर्ट, बट बिकॉज ऑफ रेनी सीजन एंड होल्डिंग रेन कवर ही इज ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टी ऑन दिस ट्रैक। माशाल्लाह, बढ़ते रहें ये कदम। कमरान भाई की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये बहुत मुश्किल पार्ट था इस ट्रैक का, खास तौर पर इस मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अगली मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। ये आई थिंक कैंप साइट है उसे पतनिया लेक जाने के लिए। ये बेस कैंप है पतनिया लेक के लिए। यहाँ कुछ कैफ़े वगैरह भी मौजूद हैं जो मौसम गर्मा में ओपन होते हैं। इस वक्त यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है और सभी लोग यहाँ से वापस अपनी अपनी आबादी की तरफ और अपने असल घरों की तरफ जा चुके हैं। बारिश का मौसम है इस वजह से भी यहाँ से इस तरफ कोई लोग नहीं आए होंगे, वरना जानवरों के घर से या लकड़ियों के घर से कुछ लोग यहाँ आ पहुँचते। हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफ़ियत से यहाँ पहुँच चुके हैं। मज़ीद ताज़ा दम होने के बाद हम आगे पतलियाँ लेक की तरफ जाएंगे, रात वहीं गुजारेंगे और फिर वहाँ से तय करेंगे कि आया हमें रत्ती गली की तरफ जाना है या फिर बोरावई कगान की तरफ जाना है। ये हैं लवात की तरफ जाना है, नहीं लवात की तरफ वापसी का सफ़र नामुमकिन है फराज, आँख से बह निकले हैं आंसुओं की तरह। दूसरी बात यह कि ये एक लंबा रास्ता है, हमेशा कभी भी लंबा रास्ता नहीं रहना चाहिए। रत्ती गली पे हमें किचन मिलेगा, खाना मिलेगा, एक बड़ा पुरतुक नहीं, कन्फर्म 100% श्योर है। असद भी अगर ना मिला ना, आप मुझ पे जो जुर्माना लगाते हैं लगा दीजिएगा, ये रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर रत्ती गली पे ना बेस कैंप पे कैंपिंग सेट और किचन वगैरह बंद हो ना, तो आपने जो जुर्माना लगाना है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं 100% शाम तक जहाँ भी चूल्हे नहीं नहीं, वहाँ जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ रत्ती गली पे पहले दिन की बात है ना, कल से मौसम खराब है सर। फुल स्नोफॉल में भी वो कैंपिंग साइट ओपन रही है, ठीक है। वो रईसी निकलाबी जो शख्स चलाता है, ठीक है, उसने कहा है कि अगले भी कई दिन कैंपिंग साइट ओपन होगी और वो इस नीलम वैली का सबसे मशहूर इतनी पर्सन है ट्रैकिंग वगैरह के एस्पेक्ट से, और रत्ती गली में सबसे बड़ी कैंपिंग साइट है और किचन वगैरह का स्टाफ वगैरह उसी का है, और उसकी कैंपिंग साइट ऑफिशियली अभी ये
एक दिन निकलने से पहले वो ओपन है और वो आगे कई रोज़ तक ओपन रहेगी। तो लिहाजा ये श्योर है, आप भी फिक्र रहें, इस पर शर्त भी लगा सकते हैं आप। बाकी वो डेफिनेटली डिसाइड कर लेते हैं, क्या देख लेंगे ना, रास्ता अगर इजी होगा तो वो हमारे लिए एक आसान होगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हमें वहाँ से जीप भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी बनिस्बत यहाँ से। तो हमें यकीनन मेरे मुताबिक उन दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि वापस भी जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम इस, हाँ मौसम वो तो कुदरत से तो मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक शॉर्टेस्ट वे है टू रीच ऑन द रोड टू अप्रोच द फैसिलिटीज़, तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो कदर बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि ये मौसम इस तरह का है, ये मौसम हमेशा ही एक अच्छा मौसम होता है, ट्रैकिंग के एस्पेक्ट से ये बड़ा खूबसूरत मौसम है। इस मौसम में आपकी एनर्जी लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं, आप एक ताज़ा दम होते रहते हैं, गर्मी में मौसम गर्मा में और थोड़ा बहुत सूरज निकलने की वजह से ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता, सांस और इस तरह के मसाइल वक्तन फ़क्तन होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के मौसम में ट्रैकिंग करना बनिस्बत ईजी होता है। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि आगे हमें किस तरह पढ़ना है। ये बहुत ही खूबसूरत वसी और अरीज़ इलाका है, मैं ख़ुद तो वीडियोस में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बैक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे। ये एक वसी और अरीज़, ये सामने एक कैफ़े है जहाँ हमारा इरादा था कि हमें नाश्ता मिलेगा, लेकिन वो शख्स जिसने हमें कहा था कि वो सुबह आएगा 7:30 बजे और हमें नाश्ता और इस तरह की कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा, वो बारिश की वजह से यहाँ नहीं आ सका। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, ये हमारा वक्ती आरामगाह है, यहाँ हम कुछ आराम के बाद वापस जाएंगे। बारिश पिछले 12 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। पतलियाँ बेस कैंप बहुत ही खूबसूरत, आप सोचें कि अगर इस मौसम में यहाँ इतनी हरियाली है तो ये गर्मियों में कैसी जन्नत नज़ीर होगी। सही कहा जाता था कि वादी नीलम का ये खूबसूरत तरीन मुकाम है, लवात वादी खूबसूरत का एक खूबसूरत मुकाम है। आज हमने इस बात को देख लिया कि ये यकीनन किरण अठ मकान ईमन के केल और इस तरह के इलाकों से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ वसी और रीज़ मेडोज इस इलाके की जो असल खूबसूरती है, वहाँ दरिया नीलम की वजह से वो इलाका भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस तरह की मेडोज वहाँ कम ही देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ माउंटेन सीनरी बहुत ही खूबसूरत है, वसी बहुत बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान बहुत वसी और रीज़ मेडोज इस इलाके की बहुत ही असल खूबसूरती है। खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह, खुदा से मदद की दुआ और के साथ मैं भी कुछ देर आराम करूँगा।